अभी स्कूल की करीब 15 छात्राओं ने शिक्षिकाओं पर प्रताड़ित कर फेल करने के आरोप लगाए हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक सप्ताह पहले पहुंची शिकायत के बाद आज आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी, सदस्य जयश्री गर्ग और सदस्य सचिव वी सरवन सहित आयोग के सभी सदस्य स्कूल का दौरा करने पहुंचे। तो बच्चों ने हमारे को अप्रोच किया, उनका बच्चों का हम पर विश्वास था कि छोटी छोटी शिकायतों को भी लेकर और बड़ी बड़ी शिकायतों को भी लेकर बच्चों का विश्वास था कि वो हमारे तक आए। एंड वी आर टेकिंग वेरी सीरियसली, हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। तो इन सभी मामलों को हमने बहुत गंभीरता से लिया है पूरे आयोग ने, इसीलिए हम आज 1-2 घंटे से हम यहाँ पे ना जांच कर रहे हैं और जो भी जांच में निकल के आएगा उसके ऊपर हम पूरा आयोग अच्छे तरीके से गंभीरता से एक्शन लेंगे। करीब 3 घंटे तक स्कूल में आयोग की टीम ने पीड़ित छात्राओं और उनके परिजनों से भी बात की। इस दौरान आयोग की टीम ने स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल कृष्णा भाटी से भी बात की। आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी और सदस्य जयश्री गर्ग ने कहा कि स्कूल में पहुंचने के बाद और भी कई अनियमितताओं का पता चला है, साथ ही इस पूरे मामले में बालिकाओं का पक्ष मजबूत नजर आ रहा है। ऐसे में जल्द ही मामले में रिपोर्ट सौंपने के बाद स्कूल पर कठोर से कठोर कार्रवाई का कदम उठाया जाएगा। करीब 2 महीने से SMS स्कूल में छात्राओं की प्रताड़ना का दौर चल रहा है, तो वहीं बाल आयोग में भी शिकायत को 1 हफ्ता गुजर चुका है। ऐसे में बड़ी स्कूल का रुतबा और ऊंचे रसूखात तक पहुंच कहीं बाल आयोग की रिपोर्ट को भी प्रभावित न कर दे। जयपुर नगर निगम ने अब अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में करीब 300 करोड़